हाय फ्रेंड्स, मैं अभी हूँ ए के एंड शालीमार गोट फार्म पर और हमारे साथ है जैद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैद भाई, इस वीडियो में क्या दिखा रहे हैं आप? ये वीडियो में हम लोग की बकरियाँ माशाल्लाह ग्रेजिंग कर रही है जी, और ये बेर का पत्ता माशाल्लाह खा रही है बकरियाँ हमारी। बेर के पत्ते जी, क्या फ़ायदे रहते हैं इसके जैद भाई? ये बहुत बकरियों का पसंदीदा चारा है माशाल्लाह, बहुत शौक से खाती है बेर का पत्ता। हालांकि थोड़ा खाने में डिफ़िकल्ट रहता है पत्ता, लेकिन बहुत शौक से पसंद करती है खाने के लिए बेर का पत्ता। और माशाल्लाह इससे जो बकरियां बच्चे डाली है तो दूध वूध में काफ़ी इजाफा होता है ये पत्ते से। ओके, तो जैसे कि आप हमेशा लाते हैं तो रोज़ बेर के पत्ते खिलाते हैं या कुछ दिन रखे आपने? नहीं, ऐसा स्पेसिफिक दिन नहीं है, मौसम साफ रहा, बारिश नहीं रही तो निकालते छोड़ते बकरियाँ। नीम का पत्ता, बेर का पत्ता, बबूल का पत्ता, नेचुरल जैसी जितनी चीज़ें हैं जो कुदरत से हमें मिली है उसका फ़ायदा उठाते हैं। जी जी, अभी मैं देख रहा हूँ कि आपकी एक बकरी ऊपर चढ़कर खा रही है। जी जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये झाड़ भरा हुआ था जी, कुछ ही वक्त में खाली हो गया। हाँ माशाल्लाह, तो काफी शौक से खाती है बकरियाँ माशाल्लाह। और खा पी के जैसा पेट भर गया तो देखो ऐसे बैठ जाती है बकरियाँ माशाल्लाह, खा पी कर एकदम रिलैक्स, जिसका जिसका हो गया वो बैठ जाती है आराम से, एकदम रिलैक्स करती है नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, जज़ाकअल्लाह भाई। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम।